नमस्कार जी, न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं आकांक्षा, आप देख रहे हैं मेरे साथ उत्तर प्रदेश बुलेटिन के खास समाचार। नमस्कार, मैं आशुतोष सिन्हा। आज मेरे बयान को बहुत ही ज्यादा तोड़ मरोड़ के पेश करने का काम देश के कई गोदी मीडिया चैनलों ने किया है। हमारा देश के प्रधानमंत्री जी से प्रश्न है कि रशिया ने अक्टूबर में ही कोरोना की वैक्सीन बना ली थी, जिसका नाम स्पुतनिक है, और उनके देश के राष्ट्रपति पुतिन जी ने अपने देश की जनता को विश्वास में लेने के लिए सबसे पहले उसे अपने ऊपर टेस्ट कराया, और टेस्ट कराने के बाद भी देश पूरे विश्व के कई ऐसे राष्ट्र हैं जो उसे सुरक्षित नहीं मान रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो अनसेफ है। उसी तरह क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी कोरोना की वैक्सीन को सबसे पहले अपने ऊपर टेस्ट कराएंगे, क्योंकि इसके क्या साइड इफेक्ट्स होंगे ये हमें और किसी को जानकारी नहीं है। कुछ दिन पहले हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने चंडीगढ़ PGI में कोरोना वैक्सीन अपने ऊपर टेस्ट करवाई थी और उसके 14 दिन के अंदर वो फिर से कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। तो बहुत सारी चीज़ें जो हड़बड़ाहट में फैसले हमारी सरकारें लेती हैं, मैं कहना चाहता हूं कि इसके पहले भी, और नोटबंदी से हम शुरू करें इनके, तो नोटबंदी का जो इनका हड़बड़ाहट में फैसला था, बहुत सारे लोग मर गए, परेशान हुए, लेकिन आप जान लीजिए कि नोटबंदी कितनी सफल रही हमें और आपको मालूम है। ये वही सरकार है जो ताली और थाली बजा के कोरोना भगाने की बात कर रही थी। ये वो सरकार है जो गटर के गैस से वो खाना बनाने की बात कर रहे थे, और देश के, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के गृह जनपद गोरखपुर में सैकड़ों बच्चे ऑक्सीजन के अभाव में मर गए, और उसके बाद इनके प्रदेश के प्रवक्ता, जो सरकार के प्रवक्ता हैं, उन्होंने ये बात कही कि अगस्त में बच्चे ज़्यादा मरते हैं। तो ये समझिए कितने मैच्योर्ड लोग हैं, कितनी मैच्योरिटी के साथ काम करते हैं। तो हमें और आपको कहीं ना कहीं इस बात का संशय है कि इस गवर्नमेंट के द्वारा ये जो काम किया जा रहा है वो कितना जनता के हित में होगा। तो इसके लिए सबसे पहले, मैं उस समय भी मैंने यही कहा था और अभी फिर कह रहा हूँ कि साइड इफ़ेक्ट्स किसी भी दवाई के हो सकते हैं, तो उसकी पहले पूरी तरह से जांच होनी चाहिए। किसी भी देश के इंसान की